कैसे हैं, इन तीनों से इतना प्यार करता है ना। तो वो देख, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ, मैं अकेले सब कुछ करती है। जिसके घर में पूरे फैमिली होते हैं, सास ससुर, जो पढ़ने में भी बहुत है, ड्राइंग तो मतलब आर्ट एकदम इतना इसका नाम। हाय फैमिली, और हस्बैंड चले गए ना, और हिम्मत हारती तो हूँ नहीं, मैं आप ही से अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ। नहीं, हम इनको बोले नहीं है। नेक्स्ट डे। हाय फैमिली, कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज है, मेरे बच्चे बताएंगे आज क्या है। और ये रहे मेरे तीनों ट्रिपलेट्स, और ये बताएंगे आपको कि आज क्या है। चलो बताओ। हमारे लिए व्रत करते हैं। जी हाँ, आज है जिवितिया, जिवित कृतिका व्रत, और मैं ये तीनों के लिए व्रत की हूँ। हैप्पी? यस, हैप्पी। और ये चारों आज येलो येलो पहने हैं, और मैं पिंक पहनी हूँ। पापा तीनों बच्चे ट्रिपलेट्स सेम सेम लग रहे हैं, सेम मुझे छोड़ के। और मैं एक बात इन तीनों के बारे में बताना चाहती हूँ। जब ये टूर्नामेंट्स खेल रहे थे चेस का, तो वहाँ पे इतने लोग इन तीनों से प्यार कर रहे थे, बहुत इतने लोग मिले थे। और मैं सबका वीडियो तो नहीं बना पाई, पर ये तीनों से इतने लोग प्यार करते थे, इतने मतलब इनसे मिलते इतने प्यार से, और तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो भी मिलते हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको थैंक यू सो मच मेरे तीनों ट्रिपलेट से इतना प्यार करने के लिए। जो भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, इन तीनों से इतना प्यार करता है ना, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक माँ को क्या चाहिए, है ना? बोलो। yes. सबको जो भी मिलता है बोलते हैं कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, पर थोड़े से बदमाश भी हैं, तंग करते हैं मुझे, बात सुनते हैं, बट मस्ती इनकी हमेशा रहती है स्टार्ट। बोलो। अच्छा मम्मा आज व्रत की है, तो आज अच्छे से रहोगे क्या? आज भी मस्ती करोगी? yes. पूजा के टाइम में मस्ती करोगी? no. हाँ ठीक है। और ये रहा मेरा साड़ी, ये पिंक है, पता नहीं रेड क्यों आ रहा है मोबाइल में, बट ये पूरा पिंक है, रानी कलर। ये देखिए, ये रहा मेरा साड़ी। इस पूजे में 3 दिन तक पूजा रहती है। एक नहा खा के दिन, तो उस दिन भी पूरा चीज़ बनता है हम लोग में, जिवितिया में। अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ कि इस जिवितिया में 3 दिन का रहता है ये पूजा। एक दिन नहा खा रहता है, एक पूरा दिन फास्टिंग का रहता है, फिर कल पढ़ना रहता है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिवितिया में, पारण के में। और नहा खा के दिन भी बनता है बहुत, पुआ, मरवा की रोटी, सब्जी, बहुत कुछ बनता है। और इस तरह 3 दिन इतना परेशान रहना, उसमें बच्चों को देखना, फिर इनकी एग्ज़ाम, मतलब कैसे कैसे मैनेज करती हूँ मैं ही जानती हूँ। बहुत मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को देखना, उनका खाना पीना, पढ़ाई, साथ में पूजा, फिर घर के सारे काम, सब चीज़। मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ, मैं अकेले सब कुछ करती हूँ घर पर। और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं कामों में, जब वो फ्री होते हैं तब ऑफिस से आते हैं। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चलती है। और फिर भी मैं अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि किसी चीज़ में कोई कमी ना रहे, ना पूजा में, ना बच्चों की पढ़ाई में, ना खाने पीने में, ना किसी चीज़ में भी नहीं। तो मैं अपने से 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैं देखिए, मैं तैयार भी होती हूँ तो मतलब अच्छे से तैयार होती हूँ कि ये भी ना रहे कि फेस्टिवल आए हैं और मैं सिंपल सिंपल हो गई। तो मैं हर चीज़ में 100% देती हूँ अपना, चाहे कोई भी काम हो। तो यही है मेरी लाइफ और ऐसे ही चलती रहती है। और ये है मेरे हस्बैंड, आप सब तो जानते ही हैं, और ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ों में। अब बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो वो सब भी हेल्प करेंगे, बट अभी हम दोनों को बहुत कुछ करना रहता है ना। हम ही जानते हैं और कोई नहीं समझ सकता हमारी फीलिंग को कि हम कैसे 3 बच्चे को एक साथ देखते हैं, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को बच्चे को भी फील ना हो कि ये चीज़ की मम्मा नहीं कर पा रही है। दूसरे के जैसे स्कूल जाए तो दूसरे के बच्चे को देख के ये ना फील करें कि हमारे घर नहीं हो रहा है या हमारे घर ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें किसी मतलब ऐसा फील ही ना हो कि ये चीज़ मेरे घर नहीं होता है या मम्मा ये ऐसा नहीं करती है। तो मैं सब चीज़ करने की कोशिश करती हूँ जैसे नॉर्मल जॉइंट फैमिलियों में होती है, जिसके घर में पूरे फैमिली होते हैं, सास ससुर जो सब बड़ी फैमिली होती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट हम दोनों एक दूसरे का ही हेल्प करते हैं और बस चलता है ऐसे ही लाइफ हमारी। हाँ, पूजा के बाद मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। हमारे यहाँ काजल है, ओरिजिनल लक्मे का काजल है। कार है हम लक्मे का काजल लग गया था। हिलो मत, बाप बढ़िया राय हो गया। ये देखिए, बाप रे, ये देखिए कितना सुंदर इसका आइल लगता है। कैसे लगा, खोलना देखा ना, हो गया पहुंचा देगा सुबह। इसका नीचे बहुत अच्छा से लगवा भी लेता है वो, तीनों सही लगवा लेता है काजल। एकदम ड्रामा करता है, हर साल ऐसे ही करता है। ना ये भी अच्छा लगता है, देख रहे हो, चम चम हंसते तारा अच्छा सीरिया लगाते हैं। सीरिया तो बहुत एकदम बच्चा बन जाता है, रोनाल्डो लगता है कि एकदम बेबी है। छोटू सा। इधर अभियान लगाई नजर। यही काजल पड़ा हुआ रहता है, फिर दशहरा का फर्स्ट दिन एक कम रहता है ना, तो उसमें लगता है यही काजल कि बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। और वैसे भी मेरे बच्चे को सब कोई प्यार करता है, जब भी बाहर जाता है तो इसको जल्दी नज़र लगने की डर है, इसलिए मैं अब हमेशा तुम लोगों को काजल लगा के रखूँगी जैसे बचपन में लगा के रखती थी। वो एकदम ये छोटा बेबी की तरह लगवा लेता है, इतना प्यारा है ना ये सीरी। बीच में टिका बीच में एकदम मेरा भोलू है ये जो लड़का है ना, ये देखिए जो ये बॉय है ना श्री रोनाल्डो, बहुत प्यारा बच्चा है ये मेरा, बहुत क्यूट है। किसी चीज का जिद नहीं करता है कभी भी, जैसे बोलिएगा वैसे रहेगा। पढ़ने में भी बहुत है, ड्राइंग तो मत, आर्ट एकदम इतना इसका ना एकदम एक से एक पिक्चर बना देगा। प्रणाम कीजिए, अच्छे मन से प्रणाम कीजिए। हाँ जैसे कीजिए, जो विश मांगना है अपना मांग लो, क्योंकि ये व्रत तुम ही सबका है। जो आप लोगों को मांगना है मांग लीजिए भगवान जी से। अब पूजा हो गई मेरी कंप्लीट, और मैं ये जूतिया, यही मेन होता है जूतिया, यही आज बच्चों को पहनाया जाता है, उसके बाद कल मैं पहनूंगी। अब पारी पारी ये तीनों को बारी बारी से इन तीनों को पहना दूंगी। तो पहले जो 1 मिनट पहले जो बड़ा है वो पहनेगा, फिर उसके बाद देन उसके सेकंड, फिर थर्ड। 1 मिनट के अंतर है, तो सबसे पहले बड़ा कौन है बताओ जल्दी से। आप हो ना तो आप पहनो, चलो पहनो तो खुद से, दो मैं पहना दूँ। आज पहनेंगे, फिर कल मैं इसको पहनूंगी, इसी को बोलते हैं जूतिया। इसमें देखिए 3 बने हुए हैं पुरुकिया की तरह। थोड़ा देर भाई पहन लेगा, फिर आप पहन लेना, फिर आप पहन लेना, ठीक है। मम्मा कल पहन लेगी, मम्मा ये वाला जूतिया पहनेंगी आज। मम्मा ये वाला, आप गोल्ड वाला पहनो, मम्मा ये वाला जूतिया पहनेगी। दिखाती हूँ मम्मा ये नहीं, ये तो बंदी है, बंदी भी पहनना है। मम्मा ये जूतिया पहनेगी, 1 सेकेंड। अब पूजा हो गई, मैं प्रणाम करके उठा लेती हूँ। मम्मा ये पहनेगी, अच्छा। इसमें भी देखो तुम तीनों बने हुए हो, देखो ये एक गांठ, जितने बच्चे होते हैं उतने गांठ बने रहते हैं, तो ये 1 गांठ, 2 और ये 3, तुम तीनों हो। और मम्मा पापा 2 वाइट वाइट, मम्मा पापा नहीं है, बस ये बच्चे हैं। ठीक तो बोल के दो, जितने बच्चे रहते हैं उतने गांठ इसमें बने रहते हैं। इस तरह मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। और आपको ये जूतिया का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे पिछले साल का भी जूतिया का ब्लॉग होगा, तो आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा, और मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप क्लिक करके देख लीजिएगा उसको भी। पिछले साल का ब्लॉग है ना जूतिया का। ये भी निर्जला व्रत रहता है, इसमें भी ना पानी ना कुछ भी, तो ये बच्चों के लिए होता है। वो एक तीज होती है जो हस्बैंड के लिए होती है, और जूतिया बच्चों के लिए होती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस। और मेरे बच्चे कैसे लगे काजल लगा के, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तुम कैसे कर रहे हो, करो श्री करो। ये रोनाल्डो है, मेसी और नेमार। कैसे लग रहे हो, क्यूटी भूत लग रहे हो, भूत। तो ये इन सब की तो मस्ती हमेशा चालू ही रहती है, नॉन स्टॉप रहती है, रात को भी। अगर लाइट ऑफ नहीं कीजिएगा तो पूरी रात ये जगे रहेंगे और नॉन स्टॉप करते रहेंगे मस्ती। पूरा दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे खुद को नहीं पता रहता है कि कैसे मेरा पूरा दिन निकल जाता है इन तीनों के भी साथ। तो देखिए, तो बाय कर दे बेटू, बाय। लीजिए। मैं सिंदूर भी लगा लिया, भूल गई थी मैं लगाना, तो मैंने सिंदूर भी लगा लिया। बच्चों के साथ ना थोड़ा सा माइंड मेरा ये हो जाता है, तो मैंने सिंदूर भी लगा लिया, भूल गई थी, मिस हो गया था। पूजा में ना जब तक यहाँ से यहाँ तक सिंदूर ना लगे अधूरा लगता है पूजा। तो ये होती है हम बिहारियों का पूजा, जो यहाँ से यहाँ तक सिंदूर ना हो तो उस कंप्लीट नहीं कहते। अब होगी जाके कंप्लीट मेरी पूजा। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय। The next day. हाय फैमिली, आज थर्ड दिन है ज्योतिया का और आज है पारण का दिन। बट मैं पारण अभी नहीं कर सकती, पानी वानी नहीं पी सकती अभी, क्योंकि उसका मुहूर्त 10:30 बजे के बाद ही है। तो 10:30 बजे के बाद ही पानी पी सकती हूँ। हालत बहुत ख़राब है। आप सब बताना आपके घर में कैसे ज्योतिया हुई और क्या हाल हुआ आपका, क्योंकि थक गई हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ बनाना रहता है। हमारे ज्योतिया में बहुत कुछ बनाना रहता है, तो एनर्जी है ही नहीं, फिर भी बनाने जा रही हूँ। वैसे राइस बन गए हैं एंड केराव का दाल बन गया है। अब सब्जी बाकी है, पकौड़े बाकी है, चटनी बाकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो मैं जा रही हूँ अभी और बनाने। वैसे टाइम हो रहे हैं अभी 9:30 हो रहा है और 10:30 बजे के बाद पारण करना है। तो अभी मुझे 1 घंटे है, तो 1 घंटे में ये सभी बना लेती हूँ। एनर्जी तो है नहीं, बट उसी में करना है। और आज शाम को मैंने किसी को इनवाइट किया है अपने घर पे। एक सेकेंड बता रही हूँ, बोलने का भी हिम्मत नहीं हो रहा, बोल ही नहीं पा रही हूँ, गला सूख रहा है। 5 तारीख को रात 12 बजे जो पानी पिया था वही पी के हूँ, और रात को ढंग से खा भी नहीं पाई थी 5 तारीख को, क्योंकि अब मन ही नहीं करता है। उसमें भी इतना कुछ बनाना रहता है ना कि मन थक जाता है बनाते बनाते, तो इच्छा ही ख़त्म हो जाती है खाने को। तो थोड़ा मोड़ा कुछ भी खा लेती हूँ। जब यही रहता है मेरा, जब भी व्रत रहता है ना मुझे भूख ही मर जाती है। मतलब व्रत में इतना काम करना रहता है ना कि उससे मेरी भूख ही मर जाती है। तो ऐसे भी मैं नहीं खा पाती हूँ ढंग से, और फिर अगले दिन फास्टिंग होता है, तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है मेरी। और मैं 5 तारीख को जो 12 बजे रात को पानी पी थी, 1 गिलास पानी पिया था, बस वही पानी पी के हूँ। और अब पूरा 6 तारीख बीत गया। 7 तारीख को भी मैं वही 10:30 बजे के बाद करना, और फिर उसमें भी इतना हम लोग के पारण में, ज्योतिया के पारण में इतना कुछ बनाना रहता है कि एक हर साल में तब मैं ज्योतिया में पानी वानी पी के तब बनाती थी, मतलब पारण का टाइम होता था। बट इस समय पारण बहुत बढ़ गया, क्योंकि 2 मास लगने की वजह से ना सब इधर उधर हो गए हैं सब तिथि, तो इस वजह से पारण बहुत लेट हो गया। और मेरे बच्चों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, वो भी घर पे हैं, और हस्बैंड चले गए हैं बाहर, क्योंकि उनका ट्रायल है फुटबॉल का, तो वो चले गए। और बच्चे हैं और मैं हूँ, मुझे इतना कुछ बनाना है, हालत ख़राब है, पर क्या करूँ, हंस रही हूँ। हंसने से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता। सैड होंगी ना, सोचूंगी यार इतना कुछ करना है तो कुछ नहीं हो पाएगा, खुश रहूँगी नहीं मैं कर सकती हूँ, और मैं करती भी हूँ। चाहे कितना भी कुछ भी होता है मैं कर लेती हूँ, मैंने तो सीखा है करना। और हिम्मत हारती तो हूँ नहीं, आपकी बिनीता हिम्मत नहीं हारती। बस एक चीज़ है मेरे में जो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मैं हिम्मत कभी नहीं हारती। चाहे मेरे साथ कोई भी सिचुएशन हो, मैं उससे सोचती हूँ कि मैं कर लूँगी, चाहे एनर्जी मेरे में रहे ना रहे, पर मैं उसको कर लेती हूँ। तो एनर्जी है, मेरे पापा ऐसे हैं एनर्जी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो उनकी बेटी हूँ तो स्ट्रॉन्ग तो रहूँगी ही ना, बोलिए आप ही। तो चलिए, और मैं किसी को आज इनवाइट की हूँ घर पे, तो वो मैं शाम को बताऊँ या अभी बता दूँ? चलिए अभी बता देती हूँ, क्यों सस्पेंस रखना है ना। तो आज मैं, आप जानते ही होंगे उन्हें, जिसे मैंने घर पे इनवाइट किया पारण का खाना खिलाने, क्योंकि वो ज्योतिया नहीं करती है, क्योंकि उनके कल्चर में होता ही नहीं है ज्योतिया। तो उनकी आप जान ही गए हो, मैं इतना बता दिया तो। जी हाँ, वो बनर्जी भाई एंड शिवानी जी और उनकी बेटी, तो वो तीनों आ रहे हैं शाम को पारन का खाना खाने। तो शाम को सीधा आपसे मिलती हूँ उनके आने के बाद, ओके। और मैं भी जा रही हूँ बनाने के बाद भी आपको खाना दिखाऊंगी कि क्या क्या बनते हैं। वैसे मैं पिछले ब्लॉग भी डाली थी तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि हमारे जिवितिया में पारन में क्या क्या बनता है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले साल 22 का आप जिवितिया का ब्लॉग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रिपल्स मॉम बाय बिनीता पे। तो मैं जा रही हूँ बनाने, टाइम बहुत हो गया, मैं बहुत बक बक करती हूँ ना। चलिए, कोई और नहीं बात करने वाले तो आप ही सही, मैं आप ही से अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ आपको। बन गया ये केराव के दाल का, ये है हमारे यहाँ जिवितिया में यही सब खाने बनते। केराव के दाल है, इसमें राइस बन गए हैं और यहाँ पे कंदा की सब्ज़ी बन रही है, धनिया की चटनी। देखिए मेरी जिवितिया की थाली कंप्लीट हो गई। ये है जिवितिया की थाली। देखिए ये पकौड़े हैं पोहे के पत्ते के, और ये नोनी के साग के पकौड़े हैं, और ये केराव का दाल, धनिया की चटनी और कंदा की सब्जी। तो ये होती है हमारी जिवितिया के, हमारे घर बनते हैं। मेरे छपरा में नहीं बनते हैं, ये सब नहीं बनते हैं छपरा में, ये पटना में। यहाँ पे मैं आई हूँ यहाँ पे, और किस किस के घर बनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं जा रही हूँ, पहले मैं चूल्हे की पूजा कर ली हूँ, उसके बाद निकाला है, उसके बाद मैं जा रही हूँ खाने, क्योंकि मेरे खाने के बाद मेरे बच्चे खाएंगे। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। नहीं, हम इनको बोले नहीं है तो किसी दिन प्लान बनाइए, सुनिए ना, किसी दिन प्लान बनाइए, चलते हैं। तो ये हैं शिवानी जी एंड बनर्जी भाई। तो मैंने थोड़े से सूट कर लिया क्योंकि फ्रेंड्स सब जब आते हैं तो टाइमिंग का पता नहीं चलता। तो ये खाने खाने के बाद थोड़ी सी सूट कर लिया, ब्लॉगिंग कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो वैसे ये लोग 7 बजे आए थे एंड 11 बजे रात को गए। तो काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, अच्छा लगा। कभी कभी फ्रेंड घर पे आने चाहिए जिससे थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है। अच्छा आप लोग बताइए मेरा खाना कैसा लगा आप लोग को? अच्छा बना था। टिया तुम्हें कैसे पसंद है? बहुत अच्छा। अच्छा फिर आओगी ना? सुबह से बोलो आंटी के चैनल को लाइक कीजिए, बोलो आंटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय कर दो, बाय। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बेटे। दुनिया में एक ही जगह है जहाँ हम बड़े होते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं, क्योंकि जब हम पेट में होते हैं हमें वो देख नहीं पाती है, बिना देखे प्यार करना शुरू कर देती है, तो वो है ब्लाइंड लव। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ, सारे बच्चे लगते हैं एक से।